नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एनसीईआरटी सिलेबस से क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल इन टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है आपकी बुक में, 20 मीटर ये पोल है। हम इसको कोई एक नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं कि पी क्यू आर हो गया। ठीक, अगर आपको ये और ये साइड दी होती तो आप हाइपोटेनियस निकाल और इज इक्वल टू, मतलब कहने का मतलब है कि पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर लेते हैं, हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। पर ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम दूर हो गए। अब हमें यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जो एंगल्स के फॉर्मूला है, वो यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक, पी क्यू आर, पी आर इज इक्वल टू 20 मीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एच मीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपके पास थीटा कितना है 30, यहाँ पर सामने क्या है परपेंडिकुलर और यहाँ पर क्या है हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा के लिए आता है, इस चीज को जानना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लिखते हो साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। ठीक, अब देखिए पी क्यू क्या है, यहाँ पर साइन थीटा साइन 30 डिग्री, पी क्यू कितना है एच है, पी आर कितना है 20। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, ठीक है, साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 और यहाँ पर एच अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा 2h इज इक्वल टू 20 मीटर, देन h इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर, h इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। इस क्वेश्चन का एक ट्रिक है, मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जरूर। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करें, यहाँ से आपको जो भी लगता है, अगर यहाँ पर है तो यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया, बाय द वे अगर यहाँ सब का दिया हो, ये दिया हो, यहाँ की हाइट दी जाए, यहाँ का पूछे तो टेन थीटा लगा लीजिए क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस जाएगा, ये दिया है तो यहाँ पर कॉस जो मेनली है यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा और टेन थीटा ही यूज होता है, इसलिए आप उनकी वैल्यूज को अच्छी तरह से लर्न कर लें और इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉच।